it's 8:30 in the night and you probably thinking के बीच रोड पे मैं क्या शूट कर रहा हूँ क्या बना रहा हूँ. सो बिफोर दैट लेट मी जस्ट वेलकम यू ऑल टू अ वेरी फ्रेश व्लॉग. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अंकित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग ट्रेवल विद अंकित शर्मा. कमिंग बैक टू आवर डिटेल, आज मैं निकल रहा हूँ लखनऊ के लिए एंड लखनऊ जाने का रीज़न ये है कि मेरा जो लाइसेंस है वो रिन्यू कराना है फार्मेसी का, तो उसके लिए जा रहा हूँ. दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में. सो या तो ये शॉर्ट ब्लॉग रहेगा, अच्छा सिंपल रहेगा. इसमें मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ से जाना वापस आना एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है कहाँ पे उसके बारे में बताना थोड़ा बहुत वो रहेगा. बहुत ही जो 24 आवर्स वाला ब्लॉग है ये भाग दौड़ वाला रहेगा एंड या अब बेसिकली मेरा जो जाने का प्लान था वो तो बाइक से. पहले प्लान था कि अयोध्या जाके एक्सप्लोर करूँगा, कल निकलने का प्लान था दैट इज सैटरडे को, बट बाइक में हो गया पंचर. मैं बाइक लेके निकला एंड बाइक में हो गया पंचर, सो वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा. देन आज रात निकल रहा हूँ, मेरी बस नोएडा से है दैट इज़ अराउंड 11:30 नाइट के फ्रॉम सेक्टर 21. सो नेक्स्ट को चलते हैं. अभी मैं मेट्रो से निकलूँगा, मेट्रो पकड़ के पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बाकी इट विल बी अ काइंड ऑफ रॉ व्लॉग, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा फॉर ऑल द फार्मेसिस्ट आउट देयर. सो शेयर इट विद योर फार्मेसी फ्रेंड्स जो भी यूपी के हैं या जिनको अपना यू नो लाइसेंस रिन्यू कराना है. मेरा बन तो चुका है रिन्यू कराना है, जो कि एक साल से ड्यू है तो लेट फीस वगैरह लगेगी उसमें. सो लेट्स गो एंड मैं आपको मिलता हूँ मेट्रो से उतरने के बाद, बिकॉज मेट्रो में वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड. सो ऑलवेज लाइक ऐसे रेस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अपन वो भी करेंगे एंड चलते हैं. बस की बुकिंग हो गई है मेरी, विच विल ड्रॉप मी सम मेट्रो का स्टेशन एंड लखनऊ. सो सुबह 6:30 पहुँच जाऊँगा मैं, तो देखते हैं क्या करते हैं. टाइम मिलेगा तो एक्सप्लोर करेंगे. थिंकिंग टू बाय सम यू नो गिफ्ट्स फॉर फैमिली, अगर टाइम मिलेगा तो देखते हैं. फिलहाल तो लेट्स गो. बस स्टॉप ये क्रिकेट नोएडा क्रिकेट स्टेडियम है, उसके पास है 11:30 का पिकअप है. बीच में मैं 9:30 पहुंच गया था, एक घंटा मैंने कॉफ़ी पी लॉजिक्स मॉल है वहाँ पे जाके एंड मेरा एक दोस्त था उससे मिला, मैं बुला लिया था मैंने उसको. सो यस नाउ जस्ट वेटिंग फॉर दैट बस. 11:30 की है, इट्स 11 नाउ, हाफ एन आवर और वेट करना पड़ेगा. पीछे उसकी देखिए कितनी प्यारी ग्राफिटी हो रखी है, पेंटिंग्स वगैरह पूरी वॉल ऐसी है. सो नाइस फोटोज वगैरह निकालने की बड़ी सेक्सी जगह. मेरे साथ कोई होता तो मैं उससे बोल देता कि भैया फोटोज वगैरह का निकाल दे भाई, बट कोई है नहीं तो चलो कोई नहीं. मैं कभी बस आती है, रात हो रही है एंड स्ट्रेट रोड्स हैं तो कुछ होगा नहीं दिखाने को. स्लीपर बस मैंने करी है एंड साइड अपर जो होती है वो मेरी सीट है. सो मिलता हूँ मैं बस में,
कि यार मतलब मूड जो था ना मेरा 2 दिन से इतना ख़राब चल रहा है, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट अबाउट दिस ट्रिप के दोनों उधर जाऊँगा, अयोध्या जाऊँगा, भगवान श्री राम के दर्शन करूँगा, बट आई गेस था ही नहीं किस्मत में वहाँ जाना। कोई नहीं, जब मंदिर बन जाएगा तब देखेंगे, या फिर बीच में कभी निकल जाएंगे। बस हेलो, मैंने शूज़ वगैरह बूट्स वगैरह परचेज़ किए थे, हेलमेट लेके आया था मैं नया, मतलब कितनी सारी तैयारी की थी कि ये जो छोटी सी ट्रिप रहेगी ऑसम रहेगी, बट क्या ही करें, कांट हेल्प इट। चलो कोई नहीं, मिलते हैं हम आपको बस में एंड देन लखनऊ में, यही रहेगा भैया, आना जाना रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा उसके लिए रहेगा कि और लोगों को हेल्प हो सके। चलो लेट्स वेट फॉर द बस एंड देन सी यू गाइस इन अ बिट, बस में मिलके चढ़ के, बाय बाय। एक क्विक अपडेट, इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 15 मिनट है 1 बजने में, बस को अराउंड 11:30 आ जाना चाहिए था, बट 1.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है, एंड आई गॉट 2 कॉल्स फ्रॉम देम कि आधे घंटे में आ रही है, एंड वो आधा घंटा होते 45 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। अभी जस्ट दोबारा कॉल आई कि 15 मिनट में आ रही है, सो आई डोंट नो कितनी देर में आ रही है, मतलब चला इंडियन रेलवे सिस्टम सुधरा तो बस की नए अपनी सिस्टम ख़राब कर दिया। सो बेसिकली जो इंट्रा बस सिटी सर्विस है कोई, से मैं जा रहा हूँ, MMT से मैंने बुक करी थी, आई डोंट नो कहाँ फंस गई, एटलीस्ट वो टाइम टू टाइम पे कॉल करके बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आई डोंट पर मतलब आ जाएं भी, मैं तब से सिर्फ ये जो पीछे फुटपाथ है उस पर घूम रहा हूँ कंटिन्यूसली, कुछ है भी नहीं यहाँ पे करने को, खाने को पीने को, आई एम जस्ट वॉकिंग। गुड थिंग इज स्ट्रीट लाइट्स है तो लाइट्स वगैरह अच्छी आ रही हैं, एंड सी क्या ब्यूटीफुल आर्ट है चारों में, सो काफ़ी अच्छी ग्राफिटीज वगैरह हैं, उन्हीं को देख के टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, 1-2 फोटोज़ क्लिक करी हूँ अपनी, नहीं सिर्फ इन्हीं की। चलो ये एक छोटी सी अपडेट थी, बाकी मिलते हैं बस में जब आती है, सही है यार, चलो बाय बाय। फाइनली बस तो आ गई है और मैं बैठ भी गया हूँ, हम निकल गए नोएडा से कोलकाता, बट ना इशू इज़ ये कोई दूसरी बस है जो मैंने बुक करी थी इंट्रा सिटी, वो वाली बस नहीं है, एज़ पर द कंडक्टर एंड द ड्राइवर वो बस ख़राब हो गई रास्ते में, डोंट नो क्या है, एंड ये कोई लोकल ऐसी ही बस है। एंड अनदर थिंग इज़ मैंने बुक करी थी अपर साइड वाली स्लीपर, बट वो भी अवेलेबल नहीं है, मेरे को किसी रैंडम बंदे के साथ डुअल शेयर वाली दे रहे हैं, एंड आई डोंट वांट दैट, सो आई टुक दिस रिक्लाइनर सीटिंग वाला नॉर्मली, एंड द थिंग इज़ साइड वाली भी खाली है तो मेरी दोनों सीट मेरी हैं, बट या थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज मैं सोच रहा था आराम से सो के जाऊँगा ताकि कल फ्रेश हूँ, बट ना टुमारो विल बी अ लॉन्ग डे, सो होप सब कुछ ठीक रहे एंड मेरे को मेरा रिफंड मिल जाए, विच आई हैड इट आउट। सो या मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग में विद द सनराइज, टिल देन टाटा। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड इट्स करेंटली 7:00 टाइम से पहुँचा दिया, नेक्स्ट टाइम बीइंग डिलेड ऑफ 2 आवर्स 2.5 आवर्स रीच लखनऊ, यस फाइनली, अब यहाँ से बड़ा इमामदा जाना पड़ेगा, ना पीछे ऑफिस वहीं पर है पर वो अभी टाइम है उसको सुनने को, तो नेक्स्ट आई जस्ट
वॉक कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, पहले अच्छी देखता है चलता हूँ आपको ठीक से वापस कर। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, इस बिल्डिंग का नाम है आरिफ आशियाना एंड यहाँ पे PCI का ऑफिस है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। जो आई थिंक 10:30 के अराउंड ये ऑफिस खुलता है, वैसे ऑफिशियली 10 o'clock का है, बट 10:30 के अराउंड खुलता है। आई जस्ट शो यू द बिल्डिंग। बेसिकली मैं दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली से कोई भी वॉल्वो वगैरह करके आप आ जाओ दिल्ली नोएडा से, वो आपको कहीं पर भी उतार देगी, वहाँ से आप डायरेक्टली आरिफ आशियाना बिल्डिंग, कैब ओला वगैरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो वो डाल के आ सकते हो। ट्रक आई मीन टेम्पू बस, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, सो नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या यू कैन कम विद ओला इजीली, आपको जस्ट गेट पर उतार देगी। चलो मिलता हूँ मैं आपको अंदर काम करने के बाद। ये मेरे जो पीछे बिल्डिंग है यही है आरिफ आशियाना बिल्डिंग, तो आप उसमें जा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में काम करके। तो यहाँ पे एक हो गया एट कांड, जो फार्मेसी ऑफ कांसर है वो पहुँच गया लेखराज मार्केट में। एंड एक बेस्ट थिंग है कि अब ज़्यादा इजी हो गया वहाँ पे जाना, बिकॉज वहाँ पे मेट्रो वगैरह रहती, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्टली आया तो मुझे पता नहीं था, बट ठीक है यहाँ से ऑटो वगैरह लेके चला जाऊँगा। बट गुड थिंग इज़ के ऑटो वगैरह चलते हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कैब कर लूँ या फिर देखता हूँ बाहर से तो प्राइवेट ऑटो ही करके चलता है। चलिए भैया, वैसे 10:30 के आसपास खुलता है ऑफिस, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम आपको नई लोकेशन दिखाते हैं। रिन्यू कराना था बेसिकली, आपको जो रिन्यूअल के लिए चाहिए एक 30 रुपये एक लिफाफे में डाल के, उसमें आप अपना जो ग्रीन बुक मिलती है उसको और जो लाइसेंस मिलता है उसको डाल के फ़ोटो कॉपी यहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए, दैट्स इट, एंड महीने भर में आपके पास आ जाएगा। बहुत टायर मतलब रश बहुत रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि सुबह सुबह आके मेरी तरह लाइन में लग जाएगी, बेनिफिशियल रहेगा। एंड बेस्ट थिंग इज जो मेट्रो है लेखराज मार्केट जस्ट उसके साइड में आपको दिख जाएगा, सेकंड फ्लोर पर है, दैट इज लेखराज मार्केट बिल्डिंग नंबर 2 उसके सेकंड फ्लोर पर है। कम प्रिपेयर्ड, एक बार लाइन लगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब काम हो गया है। एंड मेरी बस है तो ये 8:30-8 बजे की, ठीक है हाँ, तो तब तक अपन घूमेंगे। टैक्सी कहाँ जा सकते हैं, कहाँ ही टू पोनी शुरू हो गया एंड मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, तो हम थिंकिंग कैटली से चाय तो पी लूँ, तो मैं मिलता हूँ आपको कहीं पर चाय पीते हुए या फिर कुछ अच्छा एक्सप्लोर करते हुए। सो अभी मैंने जाके वाजपेयी की जो कचौड़ी वो खाई, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी यार, मतलब मेरे से तो नहीं खाई गई, हवा टाइट होगी। टेस्ट वाइज अच्छी थी, शादियों वाली जो पूड़ी होती है वैसे टाइप की थी, मस्त क्रिप्सी। एंड अब टाइम तो काटना है, तो मैं जरूर में ही PVR सिनेमा वहाँ पे आ गया हूँ मूवी देखने। एंड द मूवीज़ नेम इज़ द मार्क्समैन। प्लान मुझे लगा रूही रिलीज़ हो गया तो मैं वो देखने आया, बट ठीक है कोई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है बाहर। एंड थिएटर बहुत सही लग रहा है, देखिए पूरा खाली है वैसे तो, एंड जिस हिसाब से बात करने के लिए मैंने मास्क उतारा है, अदरवाइज मैं मास्क पहन कर रखा होता। आई जस्ट शो यू द स्क्रीन, बड़ी सही है, मतलब स्टेजेस वाइज नहीं होती, एक नीचे एक ऊपर वाला सीन है, जस्ट लेट मी शो यू। सो वो सामने स्क्रीन है एंड ये जो देख रहे हो रेलिंग, इसके नीचे भी ऑडियंस बैठती है, सो हम ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, हम VIP लोग अपन लोग। एंड टिकट भी बहुत सस्ती है एंड रश तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है टाइम पास करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये।
एंड अभी मूवी देख के फिर मैं आपको मिलता हूँ, बिकॉज पायरेसी नहीं करने का। तो मिलता हूँ मैं आपको मूवी के बाद। टड़ा, डन इज द कॉफ़ी, आई मीन मूवी। अभी मैं एक और मॉल में आया हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, CCD। एंड मैंने अभी एक वो लिया फेस वॉश, मैंने उससे मुंह धोया। भाई साहब इतनी गर्मी हो रखी है यार बाहर, तो मतलब हालत ख़राब हो गई। मैंने अब तो सलाह पता नहीं, यहाँ पे AC वगैरह भी क्यों इतना कम चल रहा है। बहुत बुरी हालत है यार, बहुत बुरी हालत है। एंड अभी मेरे को 4:00, 4 घंटे और काटते हैं, तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और 4 घंटे में इसी मॉल में रहूँगा, 4 घंटे यहाँ वहाँ हांडूँगा, कुछ ना कुछ खाता रहूँगा। थकान बहुत होगी, बहुत चलाऊँगा आज, बहुत मतलब लिटरली जो मेट्रो है पूरी वो छान मारी मैंने। इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी नीट एंड क्लीन मेट्रो है, नाइस जॉब मिस्टर योगी। वैसे अभी यार कल रात की तरह ना ट्रेन ना मतलब बस ड्रामे ना करे। चलिए भैया, कोई नई अपडेट के साथ हम आपको मिलते हैं, बिकॉज अब तो यही चल रहा है। एंड बाय द वे आई ऑर्डर्ड अ कोल्ड कॉफ़ी, बिकॉज गर्म पीने की हिम्मत नहीं है। एंड इट्स सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। तो मिलता हूँ मैं आपको आफ्टर कॉफ़ी या फिर कोई नई अपडेट के साथ। करिए सो एक अपडेट है, करेक्शन अपडेट है एक्चुअली। मेरे हिसाब से जो मेरी बस थी वो 8:30 थी, बट वो नहीं 10:30 की है। सो इट्स 10:10, 10:15, 10:25 आई थिंक बस आ जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल जो बस का जो वो है उस लॉन्च में वेट कर रहा हूँ। बस का फट चुकी है, लिटरली बहुत बुरी वाली फट चुकी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पर लाउंज में। मैं जैसे अभी 5 मिनट पहले हूँ, मैं पिछले 4 घंटे से रोड पे घूम रहा हूँ आवाज़ों की तरह। सो या बट आज बहुत सही वॉकिंग हो गई अपनी, ऑलमोस्ट पूरा लखनऊ नाप डाला साला पैरों पे। एंड खाना वाना हो गया, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ करने की हिम्मत नहीं है। चलो बस आएगी, बस में क्या आप यहाँ से इंटरसिटी बस मैंने वो बुक करी है, एंड यहाँ से सीधे आपको RN Vihar उतारेगी बस। सो रास्ते में क्या ही दिखाऊंगा, अंधेरा हो चुका है। सो इट्स बेटर कि इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं, अभी शांति भी है। सो आई होप ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, एंड आई थिंक ये थोड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। बट 2 दिन का मिक्स करके मतलब आना जाना इस लाइक ट्राई करूँगा कि 10 से 15 मिनट के रेंज में ही हो जाए। एंड या अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आई नीड सब्सक्राइबर्स। शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट कहाँ से मिलेगा। नॉलेज भी देता हूँ, देखो यार मतलब हमें नॉलेज है ना है, बट अपन ज्ञान फेल सकते हैं, समझे। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, एंड कमेंट करो योर क्वेरीज अगर कुछ भी हैं उसके रिगार्डिंग, PCI ऑफिस के रिगार्डिंग, या कैसे जाना है, वट एवर यू फील लाइक। या दैट्स इट, एंड थैंक यू अगेन फॉर यू नो मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अच्छा, बहुत तारीफ़ होगी तुम लोगों की, बहुत तारीफ़ होगी मेरी। टाटा बाय, गुड नाइट।